अयो कहो ठीक है महाराज, मैं इस बात की बात सुनाऊं। आप तो साहब ओ माटो साहब लाले स्वामी हम मिथुन भगिया लगी है। हाँ पतिदेव, वो मेला का तमन्ना लगी है, यही ना? हाँ, मैं मेला घूमने के लिए राजमिठुन में जाऊंगा। हाँ पतिदेव, यही ना? हाँ मैं जाऊंगा। लीजिए, लोग कहते हैं और जन्नत वाला घोड़ा के चक्कर, ये दोनों बरोबर होती है। मेला घूमने से क्या होता है जानते हो? क्या होता है पति? कुछ नहीं होता है। जरा कान खोल के सुनो जो मैं क्या कहता हूँ। ठीक है सर। आए हैं आए हैं मेला लगा दल है प्रिया, आए हैं राजो मोहब्बत में ना कहीं मेला ना देखो।
क्या कही पतिदेव तुम राज मोहब्बत का मेला में आग लगा दो। हाँ पतिदेव, लेकिन मेला तुम देखोगे राज मिठुन। हाँ मिठुन घाट है। मेला देखने के लिए नहीं, तुमको जाने दूंगा तो तुम फांसी लगा के मर जाओ। हाँ पतिदेव, मैं फांसी लगा लूंगी घर घर। लेकिन एक बात और कान खोल के सुन लो। ठीक है श्याम पतिदेव। आय हे चिड़िया के पसंद है श्री राम है प्रगट। हाँ पतिदेव जानती हो ना। हाँ आहे तुरिया के बस रहे रनिया श्री राम है बढ़ गए। आहे तुरिया के बस रहे रनिया श्री राम है बढ़ गए। Thank you.
सुनो सुनो। हाँ महाराज, तुम्हें राज पीठ जाने के लिए ऑर्डर दे दिया। हाँ पति दे, ठीक है, किसी जगह से चले जाओ। ठीक है पति दे। नहीं पति दे, मैं देवरी के साथ में लेके जाऊंगा। क्या कहा? रूदल देवर देवर मैं साथ में लेके जाऊंगा। भाई रूदल के तुम साथ लगा का मेला देखने के लिए जाऊंगा। हाँ पति दे। एक काम करो। हाँ पति दे। भाई रूदल जानते हो कितना दुलारू है। यदि उससे कुछ होता है ठीक है पति दे। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है कुछ देर ठहर जाओ। दरबार ये मानने वाली नहीं है। ये कहती है राज महोबा में पति ना था, मेला लगवाइएगा तो मैं नहीं देखूंगा, फांसिया लगा के मर जाऊंगा। जब देखूंगा तो राज बिठूंगा। भाई रूदल कहाँ है? शायद कचहरी पे होगा। भाई रूदल को बुला के ले आओ। दरबारी गौर लगा छी खास रहा। बात क्या है? बोलो बोलो। अपने के भाई बोलो ना भाई। ठीक है चलो चलो। अब सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। चलो प्रणाम भैया जी। भाई रुबल खुश रहो। भैया जी आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं? गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। सुनते हो? आप किस लिए बुलाए हैं? हाँ हाँ आप हमसे कह सुनाइए। लेकिन एक और बात
न कहूंगा तो हो सकता है तुम समझ भी नहीं पाओगे। आई हाय हाय अरे ननवा तो लग गया भाई अरे छुड़ घटिया में रात की ठुड़ में मेला लगी। अच्छा वहां से एक पत्रिका आया तुम्हारे भाभी सोना मच्छी के हाथ में पड़ गया। बहुत खुशी की बात है। अब उस वक्त से आने हट करती है जो पतिनाथ मैं बिठुर घाट की रात में मेला घूमने के लिए जाऊंगा। अच्छा मैं कहा वैसा सुंदर मेला मैं अपनी राज महब्बा में लगा दूंगा। आप कह रहे हैं कि वो कहता है पतिनाथ नहीं, जब मेला देखूंगा राज बिठुर के देखूंगा अच्छा नहीं तो अपने प्राण को हथ लूंगा। अच्छा अच्छा देखिए भैया जी बहुत खुशी का बात है। बोलो बोलो मोरा दीनवा
भैया जी और तुम साथ है बिठुल घाट का मेला ऐसा लग रही है और लगी हुई है क्योंकि बहुत सुंदर मेला है। अब तुमको भी नशा लग गया है क्यों नहीं और तुम भी इजाजत मांग रहे हो भैया जी मैं भी जाऊंगा दरबारी का आगे बिठुल सुनो बर बखत के लिए तुमको मेरे साथ रहना है क्योंकि तू दरबार का नौकर हो समझ गया और जो मैं कहूंगा वो ही तुम्हें करना होगा समझ गया बेहुदा छोटी मुंह और बड़ी बात जवान लगा के बोल समझ गया भाई रुदा भैया से जाके समझाओ समय तो बहुत कम है इधर आओ बोलिए जब तुम भी कहते हो मेला घूमने के लिए मैं जाऊंगा क्यों नहीं लेकिन तुम पर भरोसा है तुम बवाली हो तुम नटखट हो जहां जाता है वहां मार उखाड़ देता है क्या नहीं भैया जी जो दरबारी जो हमसे झगड़ाएगा और मेरे के अंदर जानते हो क्या बोलिए क्या होता है मैं ना जाने के लिए तुमको भी इजाजत दूंगा अच्छा तुम अच्छा, भी जाओगे लेकिन तुम पर कोई भरोसा नहीं क्यों नहीं भैया भाई रुदा है भैया जी मैं जो कहता हूँ वो करना होगा इसके बाद तुम्हें मेला भेजूंगा ठीक है जो रहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ अरे खबर जलंधर बबुआ रती मलखा के अच्छा गढ़ छीसा हां अच्छा अच्छा अरे भाई
जयलाल जी, जयलाल जी, अरे इधर आओ ना, वो आ गए। देखो मलखा सिंह जो है उस पर भरोसा है। क्यों भरोसा है? जो उसको सात हाथी का बल है, क्या नहीं भैया, और पत्थर का सीना है, उससे कोई भी टकरा नहीं सकता है, कोई नहीं। इसलिए तो यहाँ से नगर सिरसा में जाओ, अच्छा मलखा सिंह जी बुला के हमारे पास ले आओ। दरबारी सुनो, यहाँ से जाओ तो गठ सिरसा से जाओ, ओ हाँ भैया मलखा है, उनसे बुला करके जल्द से लाओ, जल्द करो। दरबार गोर लागे, क्या बात है, अपने के भाग से क्या तुम नागर मोहम्मद साहब, जी जी, क्या भाई आसिम बुलाया, क्या बात है, की बात है, क्या तुम नहीं जानते हो? ठीक है चलो चलो। बोलो, बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं, ठीक है, गौर से सुनिए भैया, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ।